आईपीएल 2024 में अब दो टीमें ऐसी हो गई हैं जो अपना एक भी मैच हारी नहीं है। वहीं तीन टीमें ऐसी भी हैं जो अब तक अपना एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। इस बीच आईपीएल के 9 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल यानी अंक तालिका भी काफी दिलचस्प हो गई है। टीमों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। चलिए जरा समझते हैं कि ताजा अंक तालिका हाल क्या है। सीएसके और आरआर के बराबर 2-2 अंक है। फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1 इंडियन प्रीमियर लीग की ताजा पॉइंट्स टेबल में अभी भी ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके एक नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज है। टीम ने 2 मैच खेले हैं और दोनों अपने नाम किए हैं। इसके बाद अब दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। संजू सैमसंग की कप्तानी वाली इस टीम ने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों अपने नाम किए हैं। सीएसके और आरआर के अंक तो बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट में फर्क है। सीएसके का नेट रन रेट 1.979 का है, वहीं आरआर का नेट रन रेट 0.800 का है। एसआरएच, केकेआर, पंजाब किंग्स, आरसीबी और जीटी के 2-2 अंक हैं। सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर, पंजाब किंग्स, आरसीबी और जीटी के बराबर 2-2 अंक हैं। नेट रन रेट के आधार पर रैंकिंग का फैसला हुआ है। इन सभी 2 अंक वाली टीमों में सबसे ज्यादा फायदे में केकेआर है, क्योंकि उनसे एक ही मैच में 2 अंक अर्जित किए गए हैं। वहीं बाकी 2 टीमों के 2-2 मैच में भी 2 अंक हैं। आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला होने वाला है। जो भी टीम आज का मैच जीतेगी सीधे नंबर 3 पर चली जाएगी, क्योंकि उसके भी 4 अंक हो जाएंगे। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ को खाता खुलने का इंतजार लगातार बना हुआ है और इसी को लेकर लगातार ये टीमें जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और LSG यानी लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 3 टीमें ऐसी हैं जो अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई हैं। दिल्ली और मुंबई ने 2-2 और LSG ने 1 IPL मैच खेला है, लेकिन अभी तक अपना पहला मैच जीतने के लिए तरस रही हैं। साथ ही इन सभी टीमों का नेट रन रेट भी माइनस में है, ये इनके लिए दिक्कत का सबब बन सकती है। हालांकि अभी तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में जो टीमें नीचे चली जा रही हैं उनके पास भी मौका होगा कि वे टॉप 4 में अपनी जगह सुरक्षित कर लें। देखना होगा कि कौन सी टीम आगे के मैचों में बाजी मारती हुई दिखाई देती है। तो इस सब के बीच में जिस तरह से आईपीएल चल रहा है, उस बीच में सभी टीमें अपनी तरफ से मेहनत करती हुई, जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए कहीं ना कहीं निराशा के बादल अभी भी छाए हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिसने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता है। हालांकि ये माना जाता रहा है कि मुंबई इंडियंस अंतिम के मैचों में अपना कोई कमाल करके दिखाती है, लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आईपीएल 2024 की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस अपने नाम कर पाती है या फिर नहीं, या फिर इस बार आरसीबी को मौका मिलता है। देखना दिलचस्प रहेगा।